हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी रसोई। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ब्रेड की एक ऐसी मिठाई जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम समय में और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही जल्दी बनने वाली हमारी ये मिठाई है। और खाने में इसका टेस्ट इतना लाजवाब, इतना अच्छा, इतना टेस्टी, इसको मुँह में डालते ही तुरंत ही घुल जाने वाली ये मिठाई है। तो फिर चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने 6 पीस इसमें वाइट ब्रेड लिया है, मैंने इसमें वाइट ब्रेड का यूज़ किया है, आप चाहे तो किसी भी ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं। फिर ब्रेड को ऐसे मैंने प्लेन सरफेस पर रख के इसके साइड के पोर्शन को कट करके मैं इसको निकाल दे रही हूँ। उसके बाद फिर इसके मैंने 4 हिस्सों में मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसको डिवाइड कर लूँगी। ऐसे देखिए इसके 4 छोटे छोटे, एक ब्रेड से 4 छोटे छोटे पीस निकल आए हैं। ऐसे सभी ब्रेड को एक साथ पहले कट करके हम इसको रख लेंगे। उसके बाद फिर एक कढ़ाई लेंगे, उस कढ़ाई में मैंने 1 कप इसमें रिफाइंड ऑयल डाला, उसको हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेने के बाद सभी ब्रेड को एक एक करके उसमें डाल देंगे और उसको हाई फ्लेम पर इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाता है, सिर्फ इसको 5 से 7 सेकंड के अंदर ये फ्राई हो जाएगा। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको दोनों साइड से उलट पलट करके दोनों साइड से हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हम हाई फ्लेम पर ही इसको हम फ्राई भी करेंगे। तो देखिए हमारा ब्रेड फ्राई हो गया है। तो ऐसे ही हम सभी ब्रेड को पहले एक साथ फ्राई करके हम इसको रख लेंगे। थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर देंगे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा निकल जाएगा और उसके बाद फिर हम इसको एक टिश्यू पेपर पर रख देंगे निकाल करके, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सब टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे ही हम सभी ब्रेड को पहले एक एक करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा ब्रेड, सभी ब्रेड फ्राई हो चुके हैं। ऐसे सबको एक साथ पहले हम फ्राई करके रख लेंगे और फिर एक हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई मैंने 1 कप इसमें दूध डाल दिया और दूध को डाल करके अब हम इसको एक बॉयल आने तक इसको हम गर्म करेंगे। इसको ऐसे चला करके अब हम इसको एक बॉयल आने देंगे। जब इसमें एक बॉयल देखिए आ चुका है, फिर अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 5 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का, कोई भी आप मिल्क पाउडर का इसमें यूज़ कर सकते हैं। और मिल्क पाउडर डाल करके अब हम इसे मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक हम इसको ऐसे चला चला करके हम इसको गाढ़ा कर लेंगे और एक रबड़ी की तरह हम इसको बना करके तैयार करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम समय में बनने वाली हमारी ये रेसिपी है मिठाई ब्रेड की। फिर अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 छोटे चम्मच कोकोनट। मैंने कद्दूकस कर लिया था, बहुत ही जो बारीक वाला साइड से होता है, बस उसी बहुत ही बारीक मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। तो देखिए हमारा जो दूध है वो देखिए एकदम गाढ़ा हो चुका है। ऐसे हम सभी पूर मिल्क पाउडर डाल करके हम इसको अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे। तो देखिए एकदम ये गाढ़ा हो चुका है और इसको अब हम एक प्लेट में निकाल करके रख लेंगे। सभी कोई पहले हम एक साथ ऐसे निकाल करके रख लेंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। और जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम इसकी चाशनी को तैयार करेंगे। एक कढ़ाई लिया मैंने, उसमें 1 कप इसमें चीनी डाला और उसी कप से ही अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल रहे हैं। और पानी डालने के बाद फिर हम इसे एक चाशनी की तरह इसको बना करके तैयार करेंगे। ऐसे हम मिक्स कर देंगे और देखिए चीनी हमारा पानी के साथ अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। तभी किसकी चाशनी इसका बनाएगी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं इसकी चाशनी बनेगी, एक थोड़ी सी चिपचिपी जैसी चाशनी हम इसका बनाएंगे। इसी में फिर मैंने ऐसे 2 इसमें हरी छोटी इलायची क्रश करके डाल दिया है। तो देखिए हमारी चाशनी की कंसिस्टेंसी कुछ इतनी ही रहेगी, ऐसी रहेगी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। तो ये मैं बहुत ज़्यादा इसको मैं इसका एक तार की चाशनी बिस्कुट में नहीं बनाएंगे हम, बहुत एक चिपचिपी सी बच्चे की चाशनी बनेगी। देखिए ऐसे हाथ पे चिपकाने से देखिए ये बस चिपचिपी सी बनी है ये, और इसमें बिल्कुल भी इसमें कोई भी तार इसमें नहीं है बन रहा है। तो बस हमें ऐसी चाशनी पहले बना करके रख लेना है और थोड़ा सा इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। और फिर जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हमने जो फ्राई करके जो ब्रेड रखे थे वो सभी ब्रेड को इस चाशनी के अंदर डाल देंगे।
और डाल करके एक चम्मच से इसको हम दबा देंगे ताकि चाशनी अच्छे से अंदर तक चली जाए। और पूरा दोनों साइड से इसको ऐसे पलट करके हम पूरा चाशनी में इसको हम ऐसे डुबा देंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको चाशनी में छोड़ेंगे नहीं, अगर बहुत ज़्यादा छोड़ देंगे तो हमारा ब्रेड एकदम गल जाएगा और गल करके इसी में ही टूट जाएगा। तो बस हल्का सा जब प्रॉपर अच्छे से डूब जाएगा फिर हम इसको निकाल करके एक छन्नी के ऊपर रख लेंगे। सिर्फ इसको 5 से 10 सेकंड के लिए हम इसको चाशनी में रखेंगे और तुरंत ही हम इसको निकाल देंगे चाशनी से बाहर। देखिए हमारा चाशनी अच्छे से इसमें डूब चुका है और अब हम इसको एक निकाल देंगे और निकाल करके हम एक छन्नी जैसा कुछ बर्तन ले लेंगे ताकि इसको छन्नी पर रख देंगे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा इसका चाशनी होगा उस बर्तन में निकल जाएगा। नीचे से प्लेट या कोई भी ऐसा एक बर्तन रख लीजिएगा ताकि सारा चाशनी उसमें ही गिर जाए। तो ऐसे ही हम सब एक साथ पहले चाशनी में डिप करके रख लेंगे, फिर एक प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर एक छोटा सा एक पीस लेंगे ब्रेड का। उसके ऊपर हम जैसे सैंडविच के ऊपर जैसे हम आलू लगाते हैं वैसे ही हमने जो रबड़ी बना करके तैयार किया था उस रबड़ी को हम इस ब्रेड के ऊपर अच्छे से चारों तरफ इसको हम फैला लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर एक दूसरा ब्रेड का पीस रख देंगे और अच्छे से देखिए हमारा ये सैंडविच ब्रेड का सैंडविच बन करके रेडी हो गया है। ऐसे हम सभी ब्रेड को तैयार करेंगे। फिर उसके बाद ऐसे मैंने बहुत ही बारीक कोकोनट के मैंने ऐसे गरी को कद्दूकस कर लिया था और उसी कद्दूकस में इसको मैं अच्छे से इसको चारों तरफ से इसको मैं ऐसे कवर कर दूँगी उसी गरी से। तो देखिए एक गरी का जो फ्लेवर आएगा वो भी बहुत ही टेस्टी इसका टेस्ट होगा। ऐसे हम सभी ब्रेड को पहले हम एक साथ ऐसे बना करके रख लेंगे। तो देखिए हमारी फटाफट ये बन करके मिठाई ये रेडी हो गई है ना। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही यमी इसका टेस्ट है। आप इसको बना करके आराम से आप इसे 3 से 4 दिन तक आप इसे फ्रिज पर रख सकते हैं और जब भी आपको कुछ भी मीठा खाने का मन करे तो आप अपने फ्रिज से निकाल करके आप अपने इस मिठाई को निकाल करके खा सकते हैं। इसमें फेस्टिवल आने वाले हैं तो इस फेस्टिवल के सीज़न में आप इस मिठाई को ज़रूर बनाइए और अपने आने वाले गेस्ट को आप इन्हें सर्व करिए, वो भी खा करके इस मिठाई को खा करके खुश हो जाएंगे। तो फिर आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बना करके ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स।